नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा रेडियो इम्यूनो एसे। तो आइए हम देखते हैं रेडियो इम्यूनो एसे क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एलिजा क्या होता है, एलिजा के टाइप्स के बारे में देखा था, यानी पूरा एलिजा के बारे में स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेडियो इम्यूनो एसे, यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है रिया, आज हम देखेंगे कि ये रिया क्या होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। रिया इज ए टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। यानी जो रेडियो इम्यूनो एसे है, इसकी मदद से हम पेशेंट के सैंपल में जो एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन है उसका पता लगा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं हम रेडियो इम्यूनो एसे के प्रिंसिपल्स की। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो इम्यूनो एसे बेस्ड ऑन कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग बिटवीन रेडियो लेवल एंटीजन also known as hot antigen, which is a complex of antigen with radioactive material, and unlabeled antigen, also known as cold antigen, obtained from patient sample। यानी कि ये इसके जो प्रिंसिपल है वो दो प्रिंसिपल पर बेस है। इन दोनों के अंदर कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग होती है, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। इसके अंदर जो पहला है रेडियो लेबल एंटीजन, यानी इसको हम हॉट एंटीजन भी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज हॉट एंटीजन, विच इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल। यानी इसके साथ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको जोड़ दिया जाता है और इसी को हम हॉट एंटीजन बोलते हैं। और उसके बाद है अनलेबल एंटीजन, अनलेबल एंटीजन है उसको कोल्ड एंटीजन भी कहते हैं। यह जो है हमें पेशेंट के सैंपल से प्राप्त होता है कोल्ड एंटीजन, रेडियो लेबल एंटीजन। यानी इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन विथ रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल। यानी जैसे कि हमने पहले बात की ऊपर, इसके साथ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको बाइंड कर दिया जाता है, इसलिए इसको रेडियो लेबल एंटीजन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, यानी इसको हॉट एंटीजन भी कहते हैं। सेकेंड नंबर है अनलेबल एंटीजन। दिस इज द ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट सैंपल एंड ऑल्सो नोन एज कोल्ड एंटीजन। यानी इसको जो पेशेंट के सैंपल से लिया जाता है और इसको हम कोल्ड एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। थ्रू रिया वी कैन परफॉर्म बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव टेस्ट। यानी जो रिया है उसकी मदद से हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में पता कर सकते हैं इस टेस्ट के बारे में, टेस्ट की सहायता से। आइए अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम की मदद से हॉट एंटीजन और कोल्ड एंटीजन को समझाने की कोशिश की है। जो हॉट एंटीजन है, ये देखिए ये एंटीजन है, उसके साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा था ये राउंड, इसको एंटीजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो इससे ये हॉट एंटीजन बन जाता है, इसी को हम हॉट एंटीजन बोलते हैं। कोल्ड एंटीजन है जो एंटीजन पेशेंट के सैंपल में होता है, उसको कोल्ड एंटीजन बोलते हैं। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले हम एक माइक्रो टाइटर प्लेट लेते हैं, उसके अंदर प्री कोटेड एंटीबॉडी को लेते हैं, यानी जिस भी एंटीजन के बारे में हमें पता लगाना है उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी इस माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर एड हॉट एंटीजन, यानी हॉट एंटीजन को एड करवाते हैं इस माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर। यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हॉट एंटीजन है, इनको हम एड करवाते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर। तो इस प्लेट के अंदर पहले से प्री कोटेड एंटीबॉडी मौजूद है, तो ये जो हॉट एंटीजन है वो प्री कोटेड एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा जो हॉट एंटीजन है वो यहाँ पर सतह पर नीचे रहते हैं। उसके बाद करते हैं हम वॉश करते हैं, यानी अनबाउंड एंटीजन। ये यहाँ पे दिख रहे हैं अनबाउंड एंटीजन जो यहाँ पर बाउंड नहीं हुए थे, नीचे थे, वो वॉशिंग के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं यहाँ पर। यह है अनबाउंड एंटीजन, यहाँ पर ये नीचे दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद वॉशिंग करने के बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद है एड पेशेंट सैंपल, यानी ये जो माइक्रोडाइट प्लेट है इसके अंदर हम पेशेंट के सैंपल को डालते हैं। तो ये जो मतलब कोल्ड एंटीजन है ना, जो भी पेशेंट के सैंपल से प्राप्त होता है, कोल्ड एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये यहाँ पर जो हॉट एंटीजन यहाँ पर जो बाउंड हुए थे पहले यहाँ पर, इसमें देखिए ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जो हॉट एंटीजन बाउंड है उनको रिमूव कर देता है ये कोल्ड एंटीजन, क्योंकि कोल्ड एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है।
जो हॉट एंटीजन है उसके ऊपर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा होता है उसकी वजह से ये उतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है जितनी कि कोल्ड एंटीजन की होती है। यहाँ से ये जो कोल्ड एंटीजन है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और यहाँ से जितने मतलब ये बाउंड यहाँ पर जुड़ेगा आके उतने ही यहाँ से हॉट एंटीजन को रिमूव कर देगा। यानी ये जो चार हैं, चार एंटीजन है यहाँ पर कोल्ड एंटीजन, तो ये चारों यहाँ पर आके जुड़ गए और यहाँ से चार जो हॉट एंटीजन से उनको रिमूव कर दिया यहाँ से। इंटेंसिटी ऑफ रेडियो लेवल एंटीजन मेजर बाई गामा काउंटर, यानी जो ये रेडियो लेवल एंटीजन है इनको हम मेजर करते हैं गामा काउंटर की मदद से। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल, यानी ये जो इंटेंसिटी है इनकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन, यानी कोल्ड एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी ये जितने कॉन्सेंट्रेशन यानी सैंपल के अंदर जितने कोल्ड एंटीजन होंगे उतने ही यहाँ से हॉट एंटीजन रिमूव हो जाएंगे। अब हम देखते हैं वन बाय वन स्टेप प्रोसीजर के। टेक ए माइक्रोटाइटर प्लेट प्री कोटेड विथ एंटीबॉडी, यानी हमने देखा था ऊपर डायग्राम में पहले एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं उसके अंदर प्री कोटेड एंटीबॉडी लेते हैं। एड रेडियो लेवल एंटीजन, इसके अंदर रेडियो लेवल एंटीजन यानी हॉट एंटीजन भी बोलते हैं जिसको, उसको ऐड करवाते हैं। हॉट एंटीजन बाइंड विथ प्री कोटेड एंटीबॉडी, जो हॉट एंटीजन है वो बाइंड हो जाते हैं प्री कोटेड एंटीबॉडी के साथ। रिमूव द अनबाउंड हॉट एंटीजन बाई वॉशिंग, उसके बाद जो अनबाउंड हॉट एंटीजन है उनको रिमूव कर दिया जाता है वॉशिंग के थ्रू। उसके बाद है एड पेशेंट सैंपल या कोल्ड एंटीजन, उसके बाद हम जो पेशेंट का सैंपल है उसको डालते हैं या कोल्ड एंटीजन है उसको डालते हैं। दिस कोल्ड एंटीजन विल कॉम्पिटेटिव विथ रेडियो लेवल एंटीजन एंड रिप्लेस देम, ये जो कोल्ड एंटीजन है वो कंपटीशन करता है हॉट एंटीजन के साथ और जो रेडियो लेवल एंटीजन है उनको रिप्लेस कर देता है यहाँ से और ख़ुद वहाँ पे आके बाउंड हो जाता है। दिस रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड एंटीजन रिलीज अवे फ्रॉम द एंटीबॉडी, यहाँ पर आके जो ये कोल्ड एंटीजन है यहाँ पे आके जुड़ता है तो जो हॉट एंटीजन है वो एंटीबॉडी से दूर हो जाते हैं, यानी अनबाउंड जो वो पहले बाउंड हुए हुए रहते हैं एंटीबॉडी के ऊपर वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इन सब प्रोजिशन मतलब ये प्रोसीजर है उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी है उसका प्रोडक्शन होता है। रेडियो एक्टिविटी हमें दिखाई देती है मेजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाई गामा काउंटर, यहाँ पे देखा था हमने पहले जो ये रेडियो एक्टिविटी है उसको मेजर करते हैं हम गामा काउंटर की मदद से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिया क्या होता है, उसके अंदर एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं, उसके अंदर प्रीकोटेड एंटीबॉडी लेते हैं, फिर हॉट एंटीजन को ऐड करवाते हैं। हॉट एंटीजन को ऐड करवाने के बाद जो हॉट एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ बाउंड हो जाते हैं और जो अनबाउंड जो एंटीजन होते हैं उनको वॉश करके रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम पेशेंट का सैंपल या फिर एड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन यानी पेशेंट का सैंपल डालते हैं जिसके अंदर एंटीजन मौजूद है। फिर क्या होता है उसके अंदर जो एंटीजन कोल्ड एंटीजन और हॉट एंटीजन दोनों है उसके बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन एंटीबॉडी के साथ बाउंड होगा। तो इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो कोल्ड एंटीजन है उनकी ज़्यादा होती है तो ये यहाँ पर बाउंड हो जाते हैं। ये देखिए चार एंटीजन है तो यहाँ पर आके बाउंड हो गए और यहाँ से चार जो हॉट एंटीजन थे उनको रिमूव कर दिया। और यही चीज़ है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेडियो इम्यूनोवेव से क्या होता है।